हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल क्रिप्टो मछली में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे ओन पैसिव की। अगर दोस्तों आपका आईडी लगा है ओन पैसिव के अंदर तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों ओन पैसिव की। तो अभी के टाइम में जो ओन पैसिव है उसका ऐसा कहना है कि उसके जो ऐड हैं, उसके जो प्रोडक्ट के ऐड हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर चलाए जाएंगे बीन स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर। जब वहाँ पे बीन स्पोर्ट्स चैनल लाइव स्ट्रीमिंग करेगा तो वहाँ पे जो ओन पैसिव है उसके प्रोडक्ट की ऐड चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये जो बात है काफ़ी अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ पे जो ऐड है चलाई जाए। बट दोस्तों अगर आप चेक करोगे जो ओन पैसिव का जो ट्विटर हैंडल है इसके ऊपर इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है। अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट जो देखते हो ट्वीट, 17 आवर पहले जो ट्वीट आया यहाँ पे, हालांकि अगर आप चेक करोगे दोस्तों तो फीफा वर्ल्ड कप चालू होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, कल से चालू हो रहा है। अगर आप अभी के टाइम में देखते हो दोस्तों तो ओन पैसिव के लिए अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये कि वो फीफा वर्ल्ड कप में अपने प्रोडक्ट की ऐड चलाएगा किसी स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर। बट अगर आप यहाँ पे ट्विटर हैंडल चेक करते हो तो इस बात का कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि वो कल से परसों से यहाँ पे अपने ऐड चलाने वाला है, या फिर इसने टैग किया हो, आज ट्वीट किया हो। अगर कोई टॉप लीडर जो ओन पैसिव का है अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस बात का आंसर दे सकता है यहाँ पे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके ट्विटर हैंडल के ऊपर इस बात का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है कि कल से यहाँ पे जो ओन पैसिव है इसके प्रोडक्ट की ऐड चलाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपके सामने सच्चाई लेके आना, मेरा काम ये नहीं कि आपको यहाँ पे हर 2 घंटे के बाद आके आपको प्रमोट करूँ, इस चीज़ को प्रमोट करूँ, आपको आके थोड़ा पॉजिटिव करूँ। क्योंकि दोस्तों आपको सच्चाई के साथ रहना है, ठीक है, आपको सच का पता होना चाहिए। और जो लोग ट्विटर का यूज़ करते हैं उनको जो ट्विटर है उसकी वैल्यू पता होगी कि ट्विटर की क्या वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि मैंने दोस्तों देखा है, मैंने चेक किया है, जो मैक्सिमम यूट्यूबर हैं वो वही यूट्यूबर है दोस्तों जो जिन्होंने पहले जाल लाइफस्टाइल का प्रमोशन किया था, और बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया पहले। जो अभी के टाइम में ओन पैसिव का प्रमोशन कर रहे हैं तो उन लोगों ने पहले भी लोगों के पैसे डुबाए हैं, ठीक है। अगर आप उनका हिस्ट्री चेक करते हो, आप उनके पुराने वीडियो चेक करते हो तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं जाल के ऊपर, ठीक है। तो वो आते हैं, हवा में बात करते हैं, हर बात को बार बार उसका जिक्र करते हैं, तो उस चीज़ का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीन स्पोर्ट चैनल को चेक करते हो, सेकंड ये न्यूज बड़ा था, तो अभी के टाइम इसके जो फॉलोअर हैं यहाँ पे 1.4 मिलियन फॉलोअर इसके, और अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो इसके अंदर जो फीफा के ऊपर ही बातें हो रही हैं सारी, जो भी ट्वीट हो रहे हैं, टैग हो रहे हैं। हाँ ये मानता हूँ दोस्तों कि जो बीन स्पोर्ट चैनल है वो ओन पैसिव या फिर जो भी अदर ब्रांड रहेंगे उनका यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि जो ओन पैसिव रहेगा या फिर अदर कंपनी रहेंगी वो ओन बीन स्पोर्ट्स के लिए एक कस्टमर रहेंगी, तो वो उनका यहाँ पे चांस नहीं दोस्तों कि वो उसका यहाँ पे प्रमोशन करेगा या फिर उनके बारे में बात करेगा, क्योंकि वो उनके लिए कस्टमर हैं। बट दोस्तों जो ओन पैसिव है, ओन पैसिव के लिए ये जो इवेंट है काफ़ी बड़ा इवेंट है, बट इसको तो यहाँ पे बात करनी चाहिए और पब्लिकली बात करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों खाली जो मीटिंग होती हैं, पर्सनल सेमिनार हो रहे हैं, वहाँ पे इस बात का जिक्र करके कोई फ़ायदा नहीं है कि जो ओन पैसिव है वो बीन स्पोर्ट्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर जब पब्लिकली आता है तभी हम उस चीज़ को मान सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को लाइक करो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।